नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और आप मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पर हैं। मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूं, अभिवादन करती हूं। दोस्तों, कहानियों का कुछ मतलब नहीं होता है और उनका बहुत बड़ा मतलब भी होता है। कहानियां हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से उठाई जाती हैं और बहुत सारी कहानियां जो हैं हमें मोटिवेशन देती हैं। बहुत सारी कहानियाँ हमें कुछ सोचने को मजबूर करती हैं और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि जो एक इंसानी रिश्ते होते हैं उसके ताने बाने की जो उलझने हैं उनको बयां करती हैं। आज की जो कहानी है वो दोस्तों आपको रुला देगी, क्योंकि इस कहानी का जो भाव है वो बहुत ही दिल को छूने वाला है। बच्चों को स्कूल बस में बिठा करके शालू वापस खिन्न मन से टेरेस पे आके बैठ जाती है। शालू शालू वो गृहिणी है जो पूना से ट्रांसफर होकर के गुड़गांव में आई है और अब उसको यहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने शुरुआत में सोचा कि आपको बता दूं कि शालू का करेक्टर क्या है। ये छोटी सी कहानी है, इसमें आपको करेक्टर ना भी बताऊं तो आप समझ जाएंगे। बच्चों को स्कूल बस में बिठा करके शालू खिन्न मन से टेरेस पे आके बैठ जाती है। सुहाना मौसम है, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान भी उसके मन को सुकून नहीं देता। जो वो अपने पिछले शहर को छोड़ के आई थी वैसा उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। शालू की इधर उधर नजर दौड़ती है और दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पे ठहर जाती है। ओह, फिर वही बुढ़िया, क्यों इस तरह उसके घर की ओर ताकती रहती है? शालू की उदासी बेचैनी में बदल गई, मन ही मन शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी शालू उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव में शिफ्ट हुए, लेकिन अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पाई थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे तबादला हुआ था तो वो आते ही अपने काम में बिजी हो गए, ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहली क्लास में बड़े आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास में एडमिशन मिला। वो दोनों धीरे धीरे अपनी रूटीन में आ गए, लेकिन शालू उसकी स्थिति तो जड़ से भी उखाड़ कर जैसे जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी अपनी नई जमीन को पकड़ नहीं पा रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पूना में उनकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए आया थी, जिसके सहारे वो पूरा घर छोड़ के आराम से ऑफिस जाती थी और घर के पास ही बच्चों के लिए एक बहुत छोटा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे वहां चले जाते और शाम को ऑफिस से लौटते हुए वो बच्चों को लेते हुए आती। लाइफ बिल्कुल सेट चल रही थी, मगर सुधीर के एक तबादले की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है, ना ही कोई भरोसे लायक मेड मिल रही है। उसका कैरियर तो चौपट हो ही गया है। इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया छुप छुप करके घर में की टोह लेती रहती है। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो जाती है। 2 दिन बाद सुधीर अपने टूर से वापस आते हैं तो शालू उस बुढ़िया के बारे में उनसे बात करती है। सुधीर को भी थोड़ी चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा होगा तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शालू का घर को दोबारा ढर्रे पे ला करके नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत उसे नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह शालू ने टेरेस पे देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उनके मेन गेट पे आया है और सुधीर उनसे कुछ बात कर रहे हैं। पास से देखने से उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। शालू को लगा कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और वो बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रह गई। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने बड़े ही चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी, जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। जानती हो वो कौन है? शालू
और भी ज्यादा हैरान हो गई और अगली बात सुनने के लिए वो बेकरार थी। वो इस घर की पुरानी मालकिन है क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेच करके विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ के। छी, कितना कमीना इंसान है, देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। सुधीर का चेहरा भी वितृष्णा से भर उठा। वही शालू यादाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट देखी थी, उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वहीं एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी, उसका चेहरा इस बुढ़िया से बहुत मिलता जुलता था। तभी मुझे लगा कि इसे मैंने कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने आई है? पर हमने तो इसे पूरी कीमत दे करके खरीदा है, शालू चिंतित हो उठी। नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है, ये उस कमरे में दिया जला करके प्रार्थना करना चाहती है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा, मुझे तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है, और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप बुला लीजिए उन्हें, अनमने मन से ही मगर शालू ने उन्हें कह दिया, हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई और शीन काया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर के उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख कितने दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई और कुछ देर आंखें बंद करके वहीं बैठी रही और आंखें उनकी रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बन के आई थी, सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर उनका स्वर भरा आया, यही कमरा था मेरा, कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर शांतनु के पिता जाते ही आंखें फिर भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जानो तो था उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ, शालू गायत्री देवी को रोक करके कमरे से बाहर चली गई और इशारे से सुधीर को बुला के कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को आराम भी मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें, अकेली हैं, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसती है, यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं, और हम यहाँ वृद्धाश्रम से तो अच्छा ही इनको ट्रीट देंगे, अच्छा खाना पहनने को देंगे, खाने को देंगे, पहनने को देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, काम के लिए तो मेड है, बस ये घर पे रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नजर रखेंगी, बच्चों की भी देखभाल कर सकेंगी। ये घर पे ही रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पे जा सकूंगी, मुझे भी पीछे से घर की चिंता नहीं रहेगी, खाने पीने की, बच्चों की चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें इनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छिप छिप के देखा करती हैं, और अगर कहीं मालकिन बनकर अपना हक जमाने लगी तो क्या, निकाल के बाहर करेंगे? घर तो हमारे नाम से है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो, सुधीर ने अपनी सहमति जताई। शालू ने संभल के बोलना शुरू किया, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गईं। आज के जमाने में जहां सगे बेटे ने उन्हें घर से ये कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा है कि वो वृद्धाश्रम में रहें, वहां ये पराए लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं, आप नाहक परेशान होंगी, बुढ़िया ने उन्हें कहा। परेशानी किस बात की, इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मंशा समझ गई थी, मगर उस घर में रहने का मोह वो त्याग नहीं सकी, मान गई।
गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गईं और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की पूरी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कह के बुलाते, हर काम की उन्हें निगरानी में बहुत मजा आता था। वो सारा काम बहुत सुचारू रूप से घर का चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार से उन्हें खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम करवाती। रसोई का काम वो स्वयं खास ध्यान से करवाने लगी। खास करके बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। शालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्जा के अलावा कुछ मन से खाते ही नहीं थे, वो उनके बनाए हुए व्यंजन खुशी खुशी खा रहे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर रात टीवी तक वो चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटा के बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में जहाँ एक और अच्छे संस्कार डाल रही थी, वही हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत भी बच्चों की दूर हो रही थी। शालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के साथ बात करने का समय ही नहीं था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी गुजर चुकी थी। आज शालू का जन्मदिन था। सुधीर और शालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल कर डिनर बाहर करने का प्लान किया हुआ था। सोचा बच्चों को और अम्मा संभाल लेगी और हम जो है बाहर डिनर पे जाएंगे, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने शालू की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से शालू अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने भी कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। बच्चे दौड़ के शालू के पास आए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भर के चूम लिया। हमें पता था कि आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया हुआ छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसीलिए हमने आपको ये खुशी देने के लिए सब किया। शालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार मिला ही था, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी हुई लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और शालू की तरफ बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। शालू ने खोल के देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी, ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें कोई तोहफा दूं, कुछ और नहीं तो मेरे पास बस यही एक चेन है जिसे मैंने संभाल के रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। शालू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझ करके अपने यहाँ आश्रय दिया था। उसका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी उसे सहज ही दे रही है। नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझ के रख ले। मेरी तो उम्र ही चली गई, क्या पता तेरे अगले जन्म में तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखे। कह करके शालू उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों से कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था उसको, जिसकी कीमत कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं समझते। और निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उसकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय और एक माँ के रूप में जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट दे रही थी, जिस पे लिखा हुआ था गायत्री निवास।
तो दोस्तों, गायत्री निवास ये अपने आप में एक ऐसा संदेश देती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये गायत्री जो है, ये इनके बेटे ने तो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन जो दूसरे दूसरा एक परिवार मिलता है, वो भी उन्हें गले लगाने के लिए अपने घर में आश्रय नहीं देता। वो ये सोचता है कि इनके घर में रहेंगी तो कुछ थोड़ी देखभाल करती रहेंगी घर की, इससे ये अपने घर में रहेंगी, अपने घर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि वो घर उनके और उनके पति का रहा है, जो उसके बेटे ने छल पूर्वक जो है उनसे ले लिया था। और एक मैसेज और भी है इसमें कि हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का जो अनादर होता है वो बहुत गलत है। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जहाँ बड़े बुजुर्ग नहीं होते, वहां उस परिवार के बच्चे एक अजीब से व्यवहार में पलते हैं, इसीलिए वो संस्कार नहीं ग्रहण कर पाते जो एक बुजुर्गों वाले घर में उनको संस्कार मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर जरूर बताइएगा। और एक चीज छोटी सी मैं और बताने जा रही हूँ, ये कहानी भी जोशी जी की कहानी है, और जोशी जी जो मुझे रोज सुबह व्हाट्सएप पे एक न एक कहानी भेजते हैं। जय हिंद, जय भारत।